हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हम सबके एक नन्हे मुन्ने प्यारे से चैनल विवेक मिश्रा स्टडी चैनल पर। मैं प्रिया मिश्रा आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। अभी तो हम आपको इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ा रहे थे, लेकिन हमारे ग्रामर के वीडियो में ही आपको आप कोर्स वीडियो हमारा क्या मिल जाएगा, हिंदी व्याकरण भी आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों तो चलिए हम बात करते हैं कि हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ा रहे थे। तो जो हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वो हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, हमने दो वीडियो पढ़ाए हैं। एक तो हो गए हैं रस, रस जो किसे कहते हैं, उसके टाइप्स हो गए हैं, सभी नामांकन किया जा चुका है। अब सभी नंबरिंग की आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, आज सभी की क्या पढ़ाएंगे, डिफिनेशन पढ़ाएंगे। तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या था, श्रृंगार रस। तो दोस्तों फर्स्ट हमारा होता है श्रृंगार रस। हिंदी व्याकरण में ही आपको श्रृंगार रस के बारे में आज हम बताने वाले हैं कि श्रृंगार रस होती क्या है। कि अभी तो हम आपको बताए थे ना चुटकियों में याद दिलाने वाले, चुटकियों में फटाफट से याद दिलाने वाले क्या वही आ गए हैं रस। क्योंकि रस के बारे में आपको सिर्फ हम कॉलम बताए थे पिछली वीडियो में, आप हमारे ओपन करके देख सकते हैं। रस में हमारा क्या था, नामांकन किया गया था, एक रस था, उसका स्थायी भाव। अगर आप लोगों को वही फिगर वही कॉलम अगर याद हो जाता है, वही रूल कंफर्म हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो दोस्तों आपको से कोई भी रस आ जाता है, 10 माने गए हैं, कोई भी रस आ जाता है तो उसको फटाफट से आप डिफिनीशन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव, अस्थायी भाव हमारा क्या था, चलिए बताइए। श्रृंगार रस का हमारा स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। क्या होता है, रति होता है। रति मतलब क्या होता है, प्रेम। रति मतलब प्रेम। तो इसका श्रृंगार रस का स्थायी भाव हमारा क्या हुआ, रति हुआ। अब फटाफट से हम उसको बना लेते हैं, डिफिनीशन बना रहे हैं, ये सभी में यूज होंगे। जब ऐसे बनाइए, जब रति नामक अस्थाई भाव का, जब रति नामक अस्थाई भाव का विभाव अनुभव, अनुभव नहीं है भैया, अनुभव ही लिखना देखना। जब रति नामक अस्थाई भाव का विभाव अनुभव एवं संचारी भाव, अभी आपको बताए थे ना ये भावनाएं कितने हैं, अस्थाई भाव आते थे, अनुभव, विभाव, संचारी भाव, तो जो चारों टाइप्स थे उसी को यूज करके हम अपना रस क्या कर लेंगे, डिफिनीशन बना लेंगे दोस्तों। तो जब रति नामक अस्थाई भाव का विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तो संयोग होता है कमा, उसके बाद तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। क्या होता है, वहां पर श्रृंगार रस होता है। रस होता है। फटाफट हम चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि इस श्रृंगार रस का अस्थायी भाव हमारा रति हुआ। जो प्रेम होता है इसका डिफिनेशन होगा कि जब रति नामक अस्थायी भाव का, क्योंकि अस्थायी भाव हमारा रति है, तो रति नामक अस्थायी भाव का विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। ऐसे सारे डिफिनेशन आपको क्लियर हो जाएंगे। अभी हास्य रस आता है तो यहीं पर होगा कि जब हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है, हास होता है, समझ रहे हैं। चाहे हास को हास्य लिखिए या फिर हास्य को हास, एक दो हमारे ऐसे अस्थायी भाव हैं, ऐसे रस हैं, एक तो हास हो गया, एक अस्थायी सॉरी वात्सल्य हो गया, कुछ भी कर सकते हैं। कि जब हास्य नामक अस्थायी भाव का विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। बस आपको चेंज क्या करना है, अगर जो रस आ रहा है उसी के अस्थायी भाव यहाँ एड कर देना है दोस्तों। बाकी जब से लेकर के नामक
फिर हम यहाँ पे वही स्थायी भाव चेंज कर देंगे, नामक से लेकर के है तक वही वही चीजें रहेंगी। तो आपको चुटकियों में डिफिनेशन याद हुआ कि नहीं, फटाफट बस एक ध्यान में रख लेते हैं। वैसे भी विभाव अनुभाव और संचारी भाव पहले से ही था, और जब अस्थाई भाव का उसमें हो रहा है मेल, क्या हो रहा है, मेल हो रहा है किसका, सिंगार रस है तो रथ का मेल हो रहा है, हास रस है तो हास का मेल हो रहा है, जो कुछ है उसी का मेल हो रहा है। तो हमारा यहाँ पर सिंगार रस है, अस्थाई भाव हमारा रति होगा। जब रति नामक अस्थाई भाव का विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, सिंगार रस होता है। जैसे कि आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं, आखिर हमारा अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव क्या होता है। तो चलिए फटाफट हम एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। तो क्या होगा हमारा एग्जाम्पल, इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। हमारे वीडियो को अगर नहीं समझ में आता है उसको पुश करके आप लोग देख सकते हैं, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है रीओपन करिए फिर से देखिए। और हाँ, एक जरूरी बात आप लोग, क्योंकि अगर रफ और पेन लेकर के नहीं बैठेंगे, अगर पंडित जी की कथा की तरह बांस रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होने वाला। अगर पढ़ना है तो तन मन धन एक करके पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, तभी क्लियर हो पाएगा। तो चलिए हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, अभी तक तो हमने आप अस्थाई भाव बताए, उसके बाद क्या बताए हम, डिफिनेशन बता दिए, अब हम बताएंगे उदाहरण। उदाहरण हमारा क्या होता है, कौन हो तुम वसंत के दूत, वसंत के दूत वीरस। अभी आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिए, अभी तो कहेंगे मैम ऐसे एग्जाम्पल बता रही हैं, हमको बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो डोंट वरी दोस्तों, आप लोगों को अभी हम एक्सप्लेन करके एकदम अर्थ एकदम अच्छे से बता देंगे कि तुरंत फटाफट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, एक पाही। उसके बाद कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। फिर हमारा आता है सेम लिखने का तरीका, देखिए कि कौन के नीचे हमारी तीसरी फर्स्ट है, थर्ड लाइन वैसे रहेगी, सेकंड और फोर्थ लाइन सेम कंडीशन में रहेंगे। तो कौन के नीचे हम घन लिख रहे हैं, सॉरी घन है क्या, घन मतलब बादल, घन तिमिर में चपला की रेख। इसमें कामा, उसके बाद बीरस के नीचे लिखेंगे तपन में शीतल मंद बयार, बयार मतलब हवा, वाय वाइंड, ये हुआ खत्म हुआ। तो क्या कह रहा है, अभी सिंगार रस का हमारा क्या चल रहा था वैसे भी बता दिए दोस्तों। सिंगार रस मतलब क्या होता है, इसका स्थायी भाव प्रेम होता है, किसी के प्रति अगर कोई प्रेम प्रकट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, प्रेम क्या होता है कि अगर किसी की कोई दूसरा फीलिंग समझ रहा है, अगर उसको अच्छे से समझ रहा है तो हमारा क्या होता है, प्रेम हुआ। तो सिंगार रस में हम पढ़ा रहे हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। इसमें जब हमारा ये संसार जब स्टार्टिंग हुआ था उसका, तो क्या हुआ था कि एक वहां पे श्रद्धा थी और मनु थे। तो मन जो थे नायक थे हमारा, कौन कौन थे, मनु, मन और श्रद्धा। माना जाता है शास्त्र के अनुसार यही माना जाता है कि हमारा जो संसार स्टार्ट हुआ तो पहले ये क्या थे, नायक एवं नायिका दो लोग थे, एक मन थे और एक क्या थी, श्रद्धा थी। तो ये हमारे मन जो थे नायक थे और ये श्रद्धा नायिका थी। ये हुआ, तो मन तो नायक है और श्रद्धा क्या है, नायिका है। तो नायिका यहाँ पे यानी कि श्रद्धा जी किससे कह रही है, मन से कह रही है कि कौन हो तुम बसंत के दूत, हे बसंत के दूत। बसंत का मौसम वैसे क्या होता है, पतझड़ का आ जाता है। तो कहते हैं कि हे बसंत के दूत, यानी कि जैसे बसंत ने भेजा है, बसंत जो मौसम होता है मानो उनका दूत है।
तो कहती है नायिका, यानी कि चाहे नायिका कहिए या फिर श्रद्धा कहिए। तो श्रद्धा जी किससे कह रही है? मन से कह रही है कि कौन हो तुम बसंत के दूत, हे दूत, हे बसंत के दूत, आखिर आप कौन हो? अगर आप लोग भी कि कोई सामने आ जाता है, अपरिचित अननोन पर्सन आ जाते हैं, तो आप भी पहले उसका इंट्रो लेते हो। अगर इंट्रो जब तक नहीं जान जाते हो तब तक क्या कन्फर्म होगा कि आखिर ये कौन है? तो फिर कहते हैं बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, यानी बताया ना बसंत का मौसम पतझड़ का होता है जिसमें पत्तियां वगैरह झड़ने लगती हैं। तो इस बिरस यानी कि सूखे हुए से भी जब सावन का महीना आता है, जुलाई का महीना हमारा आता है, तो बहुत ही हरियाली हरियाली चारों तरफ छाई रहती है। लेकिन जब बिरस आ जाता है, जब बसंत का मौसम आ जाता है, उसमें सारी पत्तियां जब पेड़ से गिर जाती है तो बहुत ही क्या लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो कहती है श्रद्धा की बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, यानी अति सुकुमार, हे मन तुम बहुत ही सुकुमार हो। सुकुमार मतलब बहुत ही अत्यंत कोमल हृदय वाले हो। आखिर इस बिरस पतझड़ में, इस सूखे पतझड़ में क्या कर रहे हो? जब कोई भी अगर जैसे दुखी होता है तो क्या होता है, एक अकेले में बैठ जाता है बेचारा, सोचने लगता है, तो उससे भी लोग अपने जो होते हैं पूछते हैं कि आखिर क्या बात है। तो घन तिमिर में चपला की रेख, घन तिमिर यानी कि इस अंधकार में जैसे बादल जब क्या होता है छा लेता है, चारों तरफ से घेर लेता है, जब बारिश होने लगती है, चपला की रेख यानी कि चपला मतलब विद्युत, तो क्या होती है बिजली कड़कती है ना, तो बिजली की उस कड़कड़ाहट में क्या हो रहा है, घन तिमिर में चपला की रेख, इस अंधकार में, इस अंधकार बादल में चपला की रेख, ये बिजलियां कड़क रही हैं, और तंबन में शीतल मंद बयार, इसमें तुम जो है मंद बयार यानी कि धीरे धीरे हवाओं का झोंका चल रहा है, आंधियां चल रही हैं, बारिश होने वाली है और चारों तरफ से घेर रखा है बादल, तो आप इसमें क्यों तप रहे हो? यानी कि आप कौन हो जो इतने परेशान हो रहे हो, इतने परेशान दिख रहे हो? तो ये क्या कर रही है, उनके प्रति क्या हो रहा है, मतलब दिखा रही है कि जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, नायिका है यानी कि श्रद्धा है, उनसे पूछ रही है कि आखिर आप इसमें क्यों बैठे हुए हो। तो ये हमारा क्या क्लियर हो जाता है, सिंगार रस हमारा क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम देखेंगे इसके टाइप्स, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब सिंगार रस के हम देखेंगे टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? एक संयोग सिंगार होता है और एक वियोग प्रकार। आप लोग हेडिंग डालेंगे संयोग सिंगार, सॉरी सिंगार रस के प्रकार। अभी तक तो हम रस पढ़ रहे थे, रस के भी ये टाइप सिंगार रस है, सिंगार रस के भी टाइप्स संयोग एवं वियोग है। तो फल ये कितने प्रकार के होते हैं? सिंगार रस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट तो हमारा क्या आता है, संयोग सिंगार। क्या आता है? संयोग सिंगार। और सेकंड क्या आता है दोस्तों? वियोग सिंगार। तो ये सिंगार रस हो गया, सिंगार रस दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है हमारा, संयोग सिंगार होता है, और ये वियोग सिंगार होता है। फटाफट दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए इसको, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ाते हैं इसी में। हुआ, फर्स्ट आप हेडिंग डालिए संयोग सिंगार, संयोग सिंगार। अब संयोग सिंगार किसे कहते हैं ये देख लीजिए आप, डोंट वरी, आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है यहीं पे। अभी तक तो सिंगार रस के हम प्रकार पढ़ रहे थे, संयोग सिंगार और सभी में तो हम आपको सिर्फ एक ही एक बताएंगे, क्योंकि उसके टाइप्स नहीं है, सिर्फ यही रस में, संयोग सिंगार के रस में ही हमारा दो टाइप्स है। फर्स्ट हमारा हुआ संयोग सिंगार, तो इसमें होता है जहां नायक एवं नायिका के मिलने का वर्णन किया जाता है। वहां पर संयोग सिंगार होता है। क्या होता है? संयोग सिंगार होता है।
तो दोस्तों देख लीजिए, जहाँ नायक एवं नायिका के मिलने का वर्णन किया जाता है वो क्या कहते हैं? संयोग सिंगार। संयोग कहते नहीं, संयोग बस, यानी कि संजोग बस अपॉर्चुनिटी है उनकी, उनके भाग्य है कि वो मिल गए। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कहते हैं कि दुर्भाग्य है, वो बेचारे बिछड़ गए। कोई भी है, कोई क्रिएचर ही ले लीजिए, एनी, इस संसार में सब एक जीव है। कोई टाइप्स, सभी टाइप्स के हैं, कोई कुछ है तो कोई कुछ है, सभी क्रिएचर ही हैं हम आप। तो इसमें क्या है, जहां नायक एवं नायिका के मिलने का वर्णन किया जाता है वहां पर संयोग सिंगार होता है। उदाहरण फटाफट इसको देख लेते हैं, उदाहरण इसका क्या है। तो दोस्तों जहां नायक एवं नायिका के मिलने का अगर वर्णन हो रहा है वो हमारा क्या होगा? संयोग सिंगार होगा। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, होगा लता ओठ तब सखिन लखाए। श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने। हर्षे जन निज। उसके बाद होगा देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जन निज निध पहचाने। यहाँ पे डबल पाई, ये हो गया जन निज निध पहचाने। तो देख लीजिए दोस्तों, लता ओठ तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जन निज निधि पहचाने। यहाँ पर क्या हो रहा है, सीता स्वयंवर की बातें चल रही है। अब तो डायरेक्ट तुरंत कहाँ पे ले आकर के हमारा ये बता दे रहा है, कहाँ पे? सीता स्वयंवर की जब बात हो रही होती है, जब राम जी कहाँ पे गए होते हैं? सीता स्वयंवर में गए हुए होते हैं। तो जो सीता जी की सखियां थी, तो आपस में वैसे भी दोस्त मजा ले लेते हैं, तो जो सखियां होती हैं क्या कहती हैं कि लता ओठ तब सखिन लखाए, कि कृष्ण वो सॉरी राम जी के, राम और सीता की जोड़ी जब बनती है, सीता स्वयंवर होता है, तो उसमें कहते हैं कि लता ओठ तब सखिन लखाए, उनकी ओठ को ऐसे देख रही हैं सखियां, ऐसे देख रही हैं कि मानो क्या हो जा रहा है, जैसे लताएं, लताएं कितने सुंदर होते हैं ना, कि लता ओठ तब सखिन लखाए, तब जो है क्या कर रही है उस सीता स्वयंवर में, सभी सखियां, किसकी सखियां? सीता जी की सखियां किसको देख रही हैं? राम जी के ओठ को देख रही हैं, ओठ को देख रही हैं। श्यामल गौर किशोर सुहाए, उसके बाद श्यामल, श्यामल रंग बहुत ही क्या होता है, सुहाना होता है, बहुत ही अच्छा होता है। श्यामल गौर किशोर सुहाए, किशोर मतलब क्या होता है, जब बच्चे बड़े हुए हो जाते हैं, 18 साल से जब ऊपर के होते हैं, जब 18 एबव होते हैं, तो उनको किशोरावस्था कहा जाता है ना, तो किसमें आ जाते हैं, किशोरावस्था में आ जाते हैं। तो कहती है सखियां कि श्यामल गौर किशोर सुहाए, सुहाए मतलब बहुत ही सुसज्जित हो रहे हैं, रमणीय लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो श्यामल गौर किशोर सुहाए ये जो हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, इन पर जो श्यामल अवस्था है, यानी कि श्यामल जो रंग है, इन पर बहुत ही जम रहा है। देख रूप लोचन ललचाने, उसके बाद उनके लोचन, यानी कि क्या, नेत्र लोचन नयन, ये सब आंख की पर्यायवाची होती है, उनकी आंख को देख करके जैसे मानो सभी भावुक हो जाते हैं, उसी में रम जाते हैं, और सखियों को या फिर और सभी को जो वहां पे उपस्थित हुए होते हैं उनको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, मानो ललचा जाती है। ये ललचाने वाली बात नहीं, कुछ खाने पीने वाली ये खा जाती है, बिल्कुल भी नहीं, यानी कि उसमें लीन हो जाती उन्हें, और उनको देख करके राम जी को सिर्फ दिख रहे हैं सखियों को, और कोई भी नहीं दिख रहा है। हर्षे जन निज निधि पहचाने, उसके बाद हर्षे मतलब सभी लोग प्रसन्न हो रहे हैं, जन निज निधि पहचाने, जन जितने लोग वहां पे उपस्थित हैं, निज जो अपने हैं, निधि और सभी जो ऋषि मुनि हैं, सब कुछ क्या है, बहुत ही प्रसन्न है। वैसे भी आप लोग पार्टी वगैरह में जाते हो, शादी ब्याह में जाते हो, फंक्शन कोई होता है, प्रोग्राम होता है, बड़े ही खुश नजर आते हो,
समझ रहे हो। अभी कुछ काम करने के कह दिए जाए, फंक्शन में बड़े कूद कूद के करोगे, क्योंकि खुशी रहती है, शादी ब्याह पड़ा रहता है। तो वैसे सेम कंडीशन सीता स्वयंवर में भी उस सखियों के साथ हो रहा है। तो हमें विश्वास है दोस्तों को आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मैम यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो हम और अच्छा बताने की कोशिश करेंगे और भी हम बताएंगे। तो हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन एक नन्ना मुन्ना सा रेड कलर का दिखेगा उसको प्रेस कीजिए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों वगैरह के पास आप लोग शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। अब तो हमारा हो गया संयोग सिंगार, अब हम पढ़ाएंगे वियोग सिंगार। सेकंड हमारा क्या आता है, वियोग सिंगार, ये हुआ सेकंड हमारा आता है वियोग सिंगार। ये हुआ, अभी तक तो हमने पढ़ा संयोग सिंगार, अब पढ़ेंगे वियोग सिंगार। वियोग वैसे भी होता है क्षोभ दुख, जानते हो ना, कोई भी अगर सैड है, बहुत ही ज्यादा दुखी है, तो उसमें वियोग में डूबा हुआ है। कहते नहीं, अरे यार कहाँ वियोग में डूबे हुए हो, कहाँ दुख में डूबे हुए हो, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं, लेट्स गो, कहते नहीं है चलो हम चले। तो ये सब फ्रेंडली बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, दोस्तों के साथ। वैसे भी दोस्त मजाक करते हैं, कहते नहीं है क्यों वियोग में पड़े हुए हो, चलिए हम कहीं चलते हैं। तो अब तक आप पढ़े संयोग रस में, फर्स्ट हमारा संयोग सिंगार, अब हम चलिए टॉपिक देख लेते हैं वियोग सिंगार क्या होता है। चलिए देखिए, जहां पर नायक एवं नायिका, क्या हुआ, जहां पर नायक एवं नायिका के न मिलने के, जहां पर नायक एवं नायिका के न, अभी तो वहां मिलने हुआ था, संयोग जो था वहां पे मिल रहे थे नायक एवं नायिका, और जो वियोग है उसमें बिछुड़न हो रहा है, दूर हो रहे हैं। तो जहां पर नायक एवं नायिका के न मिलने के कष्टों का उद्दीप्त किए, क्या किया जा रहा है, जहां पर नायक एवं एवं जो है नायिका के न मिलने के कष्टों को क्या किया जा रहा है, उद्दीप्त किया जा रहा है, बताया जा रहा है, प्रकट किया जा रहा है, उद्दीप्त, जहां पर नायक एवं नायिका के न मिलने के कष्टों को उद्दीप्त किया जाता है, वहां पर हमारा वियोग सिंगार होता है। क्या होता है दोस्तों, वियोग सिंगार, यानी कि दुख प्रकट किया जाता है, वियोग सिंगार होता है। तो देखिए, जहां पर नायक एवं नायिका के न मिलने के कष्टों को उद्दीप्त किया जाता है, वहां पर वियोग सिंगार होता है। अभी तक हमने संयोग सिंगार पढ़ चुके हैं कि नायक एवं नायिका नहीं मिल रहे हैं बेचारे को, उद्दीप्त उनके कष्टों को, जब अपने होते हैं अगर नहीं मिल रहे होते हैं तो उनको दुख होता है, तो कष्ट होता है, तो उद्दीप्त किया जा रहा है, प्रकट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसी को हम वियोग सिंगार कहते हैं। फटाफट चलिए दोस्तों हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिना एनी टाइम, बिना किसी टाइम को लगाए हुए, बिना देरी के एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। क्या है, हे खग मृग, हे मधुकर स्नेही, हे खग मृग, हे मधुकर स्नेही, तुम देखी सीता मृग नयनी, तो वियोग सिंगार में भी हो रहा है, हे खग मृग, हे मधुकर स्नेही, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर राम जी है, अभी तो सीता स्वयंवर की बातें चल रही थी, जस्ट अभी हम क्या कहाँ पे लेके चले आते हैं, जब सीता जी और राम जी उनके साथ लक्ष्मण जी बन गए हुए होते हैं, 14 वर्ष के जब वन में गए हुए होते हैं, डायरेक्ट वहां की सीन दिखा रहा है
कि हे खग मृग हे मधुकर्ष नहीं, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो क्या पूछते हैं श्री राम जी के, किससे पूछते हैं? पक्षियों से, मृगों से पूछते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर्ष नहीं, यानी कि वो लोग, क्योंकि जो भगवान होते थे उनसे जो पक्षियां भी, पेड़ पौधे भी होते थे, वो भी क्या हो जाते थे? प्रेमी हो जाते थे उनके, वो भी उनके प्रेम में रम जाते थे। तो हे खग मृग हे मधुकर्ष नहीं, तो राम जी पूछते हैं कि हे पक्षी, हे मृग, हे मधुकर्ष नहीं, क्या आप लोग देखी सीता मृग नैनी? क्या मृग जैसी नयन वाली सीता जी को आप देखे हैं? मृग जो होता है उसका जो नयन होता है, लोचन, यानी कि जो आंखें होती हैं, बहुत ही क्या होती हैं, अच्छी होती हैं, सुंदर होती हैं, देखने में बहुत ही रमणीय लगती हैं। तो वही श्री राम जी पूछते हैं कि हे पक्षी, हे मृग, हे मधुकर्ष नेही, क्या आप मेरी सीता को, यानी कि मृग जैसी नैनी सीता को मेरी आप देखी हैं? किससे पूछ रहे हैं बेचारे? जंगल में कोई जब सीता जी नहीं दिखती हैं तो किससे पूछ रहे होते हैं? पेड़ पौधों से, पक्षियों से पूछ रहे होते हैं दोस्तों। तो आई गेस यू आर अंडरस्टूड, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बिल्कुल भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से हमारे वीडियो को पोस्ट करके आप लोग देख सकते हैं, रीओपन करके देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट डालिए, जो कुछ नहीं समझ में आता है हम आगे भी प्रोसेस बताते चले। तो आज हमारा सिंगार रस खत्म हुआ। नेक्स्ट हम, अगर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए, हमारा हास्य रस हम आपको लेकर के आएंगे। तब तक दोस्तों हम चलते हैं, गुड बाय, धन्यवाद।